सो ये एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मॉर्निंग में इवेंट आया है ना, सच बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ये जो मॉर्निंग में इवेंट आया ना, आप इसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? क्या रीज़न है, कैसे रजिस्टर कर सकते हो? कर सकते हो, अभी भी टाइम है, अभी रजिस्ट्रेशन को बहुत टाइम है। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर रिवॉर्ड नज़र आ रहे हैं ना आपको, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिवॉर्ड आप भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलेगी तो ही आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब आप कहोगे हमारे फ्रेंड्स तो हमें एक चिकन तक नहीं देते हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी वही हाल है, लेकिन फिर भी आप इसको विन कर सकते हो, डोंट वरी। कैसे, ट्रिक बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। उसके बाद अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरा लेवल है वो अपोनेंट का टीम का भी वही लेवल होगा। अगर मैं गरीब तो वो भी गरीब, मैं अमीर तो वो भी अमीर, तो उस हिसाब से बैटल चलने वाला है। अच्छा, ये रिवॉर्ड बड़े लोगों का है, मतलब बड़े यूट्यूबर्स ले सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से अगर आप हो बड़े यूट्यूबर तो ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला है, जो सबका फेवरेट रिवॉर्ड है, इसके लिए 320 स्कोर्स चाहिए आपको, तो आप ये ले सकते हो। अगर अच्छी बात ये है फिर से कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप हार जाते हो तो भी आपको बैटल पॉइंट्स मिलते हैं। ये बैटल पॉइंट्स मिला करके आप उसको जीत सकते हो, वो रिवॉर्ड्स ले सकते हो। अगर आपका जो है लेवल कम है तो उतना ज़्यादा हाई चांसेस है आपको, पॉपुलैरिटी जितनी कम है आपकी उतनी हाई चांसेस है वो रिवॉर्ड लेने की। तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, कितने राउंड्स होने वाले हैं। अगर आप वाकई विन करना चाहते हो तो बस ये वीडियो देख लो आप, सच बता रही हूँ। अगर अब आप फैसला कर लिए कि नहीं भाई चलो देखा जाए सिंड्रेला का वीडियो, तो अब आपको एक लाइक करना है और वीडियो को शुरू कर लेना है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको जाना है पॉपुलैरिटी वाले इवेंट में, यहाँ पर पॉपुलैरिटी बैटल नज़र आ जाएगा, ठीक है? यहाँ आने के बाद अभी इसका टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन का है, तो अभी अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो रिलैक्स, आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उन लोगों का स्टार्ट होगा 29 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक के, मतलब ये कि ये जो इवेंट है वो एक महीने का चलने वाला है, जिसमें आपको कुछ राउंड्स देखने को मिलेंगे और एक एक तीन तीन दिन का एक राउंड होगा, ठीक है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो बैटल पीरियड का 29 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के। अब इस रिवॉर्ड की बात करते हैं, जो ये पूरे इंडिया में अगर आप टॉप 10 पर आते हो इस पॉपुलैरिटी बैटल, ठीक है? अगर आपका जब से ये पॉपुलैरिटी स्टार्ट होगी ना, तो जीरो से स्टार्ट होगी, जो आपके पास पहले से पॉपुलैरिटी वो काउंट नहीं होगी। टॉप 10 आओगे इस स्टार्ट होने के बाद में, और टॉप 100 आओगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये वाला टाइटल मिलेगा, और अगर टॉप 10 आते हो तो मिथिक टाइटल मिलेगा, और अगर आप जो है दोनों में से कुछ भी आ जाते हो तो आपको ये नेम टैग मिलेगा, जो आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, वो तो बड़े लोगों की बात है, अब हम जैसे छोटे लोगों की बातें कर लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो हम लोगों को भी रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे, और ये रिवॉर्ड्स उनको भी मिलेंगे, मतलब ये रिवॉर्ड्स सबको मिलने वाले हैं। ये है पार्टनर इमोट। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, अब आपको आगे नहीं भाई हम सिंगल हैं, मैं भी वही हाल है मेरा भी, लेकिन अगर आपके पास ये है टाइटल और आपके पास पार्टनर है, तो ये जो है पार्टनर का इमोट्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको बिल्कुल फ्री में किस तरह से ले सकते हो वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर मैंने कहा ना आपसे, अगर आपकी पॉपुलैरिटी कम है उसके लिए बहुत हाई चांसेस है। उसके बाद आपको मिल जाएगा डायनेमिक प्लेयर कार्ड मिथिक वाला, ये भी बहुत अच्छा है, किस तरह से इसका यूज़ करना है वो भी वीडियो के एंड में बताऊँगी। उसके बाद आपको बताया फ्रेम्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो सबको मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ राउंड्स होने वाले हैं, मतलब ये कि तीन दिन का एक राउंड होगा, ओके जी, और अब आप उसके हिसाब से समझ जाओ कि 10 राउंड्स एक महीने के होंगे, ठीक है? अगर रूल्स की बात करें तो अब देखो, रजिस्ट्रेशन का तो मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन की डेट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि किस दिन से किस दिन तक के रजिस्टर कर सकते हो आप, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैटल पीरियड की। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 10 राउंड होगा, 3 दिन पर एक राउंड, फिर 3 दिन पर एक राउंड, 10 राउंड्स होंगे। पहला 3 दिन, जैसे पहला राउंड होगा, कोई भी अपोनेंट में टीम लग जाएगी, ठीक है? मेरे फैन मुझे पॉपुलैरिटी देंगे, उसके फैन उसे पॉपुलैरिटी देंगे, या फ्रेंड कह लो या कोई भी कह लो, आकर के पॉपुलैरिटी देगा। उस 3 दिन का आपको काउंटडाउन देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो जैसे जो विन करता है 3 दिन पर, तो उसको वो वाले बैटल्स पॉइंट मिलेंगे जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले। यहाँ पर देखिए, अबाउट पॉपुलैरिटी बैटल पॉइंट्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द बैटल पीरियड 2 प्लेयर विल कम्पीट टू सी हु गेन द मोस्ट पॉपुलैरिटी, द प्लेयर विल विद द मोस्ट पॉपुलैरिटी विंस। अच्छा, मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही है। आप और सपोज मैं हूँ, ठीक है, लेवल 5 वाली आईडी है, आपकी लेवल 5 वाली आईडी है, आपके अपने फैंस, अपने फ्रेंड्स या जो भी आपको पॉपुलैरिटी देंगे, मुझे पॉपुलैरिटी देंगे। 3 दिन का ये टाइम पीरियड चलने वाला है। अगर एट द एंड काउंटडाउन जहाँ पर 3-2-1 करके ख़त्म होता है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हुई वो विन कर जाएगा। इन केस
इन केस अगर मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा हुई ओके मैं विन तो करूंगी, साथ में जो आपके बैटल पॉइंट्स है उसमें से आधा मुझे मिल जाएगा और आपको जो है आधा मिलेगा। मतलब ये कि बैटल पॉइंट्स दोनों टीम को सेम मिलेंगे, लेकिन जो जीत रही है ना उसने आधी वाले पॉइंट्स आपके ले लेने हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आई नो आपको अभी फिलहाल कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मार्क दिखेगा, ब्लू टीम विन कर रही है, रेड टीम हार रही है। लेवल रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपसे कहा कि आप इसको फ्री में ले सकते हो, ये है बैटल पॉइंट्स वाले, ठीक है। लेवल तो आपका बढ़ रहा है वो अलग बात है, ये जो आपके पॉइंट्स है, अगर आप स्टार्टिंग का बीपी और सिल्वर तो हर कोई ले लेगा, ठीक है। और हर बैटल में, जैसे आज 3 दिन वाला बैटल था, ये जो पॉइंट्स है वो पूरा एक साथ होगा, पूरे 1 महीने का है ना। आज जो मैंने जीता वो काउंट होगा, फिर 3 दिन बाद जो मैंने बैटल पॉइंट्स जीती वो काउंट होगा, फिर 3 दिन बाद जो मैंने जीती या हारी उसमें जो बैटल पॉइंट्स मिलेंगे वो काउंट होंगे, वो पूरे मिला करके मुझे यहाँ इस रिवॉर्ड तक जाने को मिलेगा। डोंट वरी, आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ हुआ है, वो भी आगे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ रैंकिंग रिवॉर्ड्स की बात करें तो ये वो रैंकिंग रिवॉर्ड्स है इन केस पूरे इंडिया में हम पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है। टॉप पर जो आएगा 1 to 10 उसको यहां पर एक मिथिक टाइटल मिलेगा टाइम लिमिटेड, और आपको जो है मिथिक नेम टैग मिलेगा टाइम लिमिटेड। टाइम लिमिटेड IS 30 दिन का है, ठीक है, मिथिक वाला, और यहां पर आपको लेजेंडरी वाला मिलेगा। अगर 11 से 30 के बीच में आते हो तो आपको लेजेंडरी टाइटल मिलेगा, 31 से 50 के बीच में आते हो तो इस तरह से आपको ये वाले टाइटल्स मिल जाएंगे, सही है। अब आ जाते हैं मेन रिवॉर्ड्स की तरफ। अगर आप यहां पर क्लिक करोगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जिनको रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, अब उनकी बात कर लेते हैं। पहले रिवॉर्ड्स पर क्लिक करते हैं। यहां पर रिवॉर्ड्स पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको स्कोर्स नजर आ रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रूल्स और वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, मतलब आपका 3 दिन पर कितना जीते हो, ये यहां पर होगा, शो होगा कि आपने पहले 3 दिन में कितना विन किया, दूसरे 3 दिन में कितना विन किया। ये लेवल्स है आपके, जैसे जैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे वैसे वैसे आपका ये लेवल्स बढ़ेगा, जो स्कोर पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये है आपका बैटल लेवल और ये है सीजन रैंकिंग, मतलब सीजन रैंकिंग आप किस तरह से पूरे सीजन में आए हो उस हिसाब की रैंकिंग है। और ये है आपका स्कोर, जो बीच वाला है वो इंपॉर्टेंट स्कोर है आपका, ये जो आपका है ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। आप 3 दिन में कितना स्कोर कमा रहे हो, फिर 3 दिन में कितना स्कोर कमा रहे हो, ये काउंट होगा। जैसे जैसे आपके स्कोर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइड वाले रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब आप कहोगे हाँ सिंड्रेला अब तो समझ में आ गया है हमें, लेकिन अभी लाइफ प्रूफ के साथ बचा है, डोंट वरी। अब जितना कन्फ्यूजन और था ना वो सारे आपके डाउट्स के लिए, अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ तो सीजन रैंकिंग में 0 है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो सब हिसाब से 0। अच्छा, मैं न्यू आईडी पे आ जाती हूँ, ये मेरे भाई की आईडी है, वो खेलता है इससे, न्यू आईडी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे, रजिस्टर फॉर द पॉपुलैरिटी बैटल नाउ, इस पर आप क्लिक करते हो जैसे ही, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है कि आपकी जो लेवल आईडी है वो होनी चाहिए 4, और जो है आपकी दूसरी वाली आईडी, यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी रजिस्टर पर, एक सेकेंड, रजिस्टर पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का शो कर रहा है। देखिए, पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट, आप प्लेयर लेवल आईडी 2 एंड पॉपुलैरिटी लेवल आईडी 4। ऑब्वियसली आपका प्लेयर लेवल आईडी 2 से तो ऊपर ही होगा, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी लेवल 4 क्या है। जैसे आप यहां पर आते हो अपने पॉपुलैरिटी वाले सेक्शन में, तो ये देखिए साइड में ये है मेरा लेवल आईडी, ठीक है, 25, और ये है लेवल पॉपुलैरिटी का, मैं लेवल 1 पर हूं, जस्ट बिकॉज ये न्यू आईडी है। आप IS लेवल 3 पर होगे तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, या ज्यादा गेम्स खेलोगे, वो 30-30 वाला चिकन आपको जो मिलता है एंड में मैच के, वो भी अगर आप ले सकते हो, या किसी फ्रेंड्स को कह सकते हो। जैसे आपका लेवल 4 अनलॉक हो जाएगा फिर आप रेडी हो जाओगे इसको पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो लेवल 4 अनलॉक करके आप एकदम से इजीली, और अच्छी बात यह है कि लेवल 4 जस्ट स्टार्ट होगा तो आपको भी मैच मेकिंग वही लगेगी। सो अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन जैसे ये स्टार्ट हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये आपकी टीम है, ये अपोनेंट है, रेड टीम अपोनेंट हो गई, ब्लू टीम आप अब खुद हैं, ये राउंड 2 है, राउंड 1 का रिकॉर्ड नहीं हुआ तो राउंड 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड 2 है, लास्ट मोमेंट की पॉपुलैरिटी चल रही है, वहां का काउंट डाउन स्टार्ट है, आप विन कर दिया, मतलब ये कि ब्लू टीम विन कर दी लास्ट मोमेंट पे, जिसको जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई वो विन कर दी। विन करने के बाद देखो आपके पास 35 बैटल पॉइंट्स है, 28 आपके, 7 अपोनेंट के, मतलब ये कि उसने जितना, उसको भी कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, वो हारा है उसको भी पॉइंट्स मिले होंगे, लेकिन उसके 50% पॉइंट आपको भी मिले हैं 7,
ठीक है, तो साथ आपको मिले आई गेस उसको भी उसी हिसाब से कुछ मिले होंगे, तो इस हिसाब से चलेगा। वापस से राउंड 3 स्टार्ट हुआ 3 दिन बाद, लास्ट मोमेंट है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप पहले पॉपुलैरिटी मत देना, लास्ट में ही देना। यहाँ पर देखो इनकी पॉपुलैरिटी ब्लू टीम की ये है, रेड ब्लू टीम की और रेड टीम की आपने देख ली, फिर से ब्लू टीम विन कर दी। ठीक है, अब इस बार इनको जो है लेवल भी बढ़ा है ऊपर, ठीक है, 40 बैटल पॉइंट्स मिले हैं, 28 इनके और 12 अपोनेंट्स के, ठीक है, उनके भी मिल गए। फिर यहाँ से इनका थोड़ा सा लेवल अप हुआ, आगे के 2 रिवॉर्ड्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों रिवॉर्ड्स इन्होंने कलेक्ट कर ली, अब यहाँ थर्ड ओपन होने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। सो ब्लू टीम के पास इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, रेड टीम के पास इतने पॉइंट्स हैं। राउंड चल रहा है 4, फोर्थ वाला राउंड चल रहा है, लास्ट मोमेंट है, जिसने जितनी पॉपुलैरिटी दे दी लास्ट मोमेंट पे, उसके बाद यहाँ पर ये वाली टीम, ब्लू वाली टीम फिर से विन करती है। 58 पॉइंट्स है, इस बार इनको ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, बैटल पॉइंट्स ज़्यादा मिले हैं, 40 इनके खुद के हैं, अपोनेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए इनको ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला भी ओपन हो चुका है बैटल पॉइंट्स, तो ये वाला इनको कलेक्ट करने को मिल जाएगा। राउंड 5 स्टार्ट हो चुका है, इस बार जो है ब्लू टीम, आप खाली पॉपुलैरिटी देखिए, मतलब कितने पैसे लगाए होंगे इन लोगों ने, और रेड टीम ज्यादा लगा दी है लास्ट मोमेंट पे, तो लास्ट मोमेंट पे रेड टीम जीत जाती है, अनफॉर्चुनेटली ब्लू टीम हार गई है, लेकिन फिर भी ब्लू टीम को 42 मिलते, लेकिन इनको 21 मिले हैं, 21 अपोनेंट को चले गए हैं, लेकिन इस वाला जो पॉपुलैरिटी था इसमें ज़्यादा यूसी दी गई है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ाई गई है, तो 21 मिला, 21 इनके अपोनेंट्स को चला गया, जस्ट बिकॉज ये हार गए थे। राउंड 7 स्टार्ट हुआ, फिर से इन्होंने बैटल किया, लास्ट मोमेंट पे 4 मिनट का काउंटडाउन चल रहा है, इनके पॉइंट्स देख लीजिए और रेड टीम के पॉइंट्स देख लीजिए, और लेट सी कि एंड मोमेंट पे कौन विन करता है। कांग्रेचुलेशन अगेन, ब्लू टीम विन कर दी है, ये वाला बार फुल हो गया, ये लेवल का है। नीचे आपको 50 पॉइंट्स इस बार के मिले हैं और 14 पॉइंट्स अपोनेंट्स के मिले हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, और 14 पॉइंट्स उनको भी मिले होंगे, तो कुल मिलाकर के आपको है 50 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड 8 स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, यहाँ पर ब्लू पॉइंट्स के पॉइंट्स देख सकते हो आप, रेड टीम के पॉइंट्स, ब्लू टीम के पॉइंट्स देख सकते हो, रेड टीम के पॉइंट्स देख सकते हो। लास्ट मोमेंट चल रहा है, जो भी विन कर दिया, लेट्स सी कौन विन करता है। कांग्रेचुलेशन अगेन, ब्लू टीम विन कर दी है, इनका लेवल फुल हो रहा है, यहाँ से 60 पॉइंट्स इनको मिल गए हैं, 40 यहाँ पर रिसीव हुए इनके खुद के और 20 अपोनेंट के, मतलब 20 उनको भी मिले हैं, 20 आपको भी मिले हैं ब्लू वाली टीम को। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इनका बार यहां पर ऊपर वाला फुल हो गया है, इतने पॉइंट्स यहां पर इनको मिल रहे हैं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे ही आपका लेवल अप हो जाए, ठीक है, अगेन यहां पर जो है इनका जो लेवल 9 है इन्होंने पास कर लिया, 44 इनको मिल चुके हैं, ठीक है, अपोनेंट से यहां से इनको शायद 8 मिला है, फिर भी यहां पर ये विन कर लिए। अच्छा, अब अगर आप पहले ही ये वाला रिवॉर्ड ले लेते हो, ठीक है, ये वाला रिवॉर्ड आपको मिल जाता है, अगर आपको राउंड 8 पर ही ये रिवॉर्ड मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप फिर स्टॉप कर दो, उसके आगे मत खेलो। और अगर आपको ये वाले राउंड्स पूरे कलेक्ट हो गए हैं और आप चाहते हो कि पूरे सीजन रैंकिंग में जाना, वो टॉप 1 to 10 में, फिर आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पर स्टॉप कर दो। सही है, अब जो इनके जो मैंने आपको बताया ना, ये जो यूसी स्पेंड किए हैं, ठीक है, सीजन रैंकिंग वाले की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ऊपर, अगर आपको सीजन रैंकिंग में जाना है तो आप आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप यहाँ से स्टॉप कर दो। ठीक, सो अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि कैसे कम लेवल की IDV वो रिवॉर्ड्स ले सकती है। ओके जी, अब आप कहोगे कि ये लोगों ने तो कितनी यूसी एक्सचेंज करी जस्ट बिकॉज ये टॉप 10 में थे, मतलब इनकी आईडी पे मत जाइए, इन लोगों ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी बैटल किया है। और जो पहले ये तो बेसिकली जो आपको स्क्रीन शॉट है वो पबजी मोबाइल का है, वो सर्वर के हिसाब से होते हैं, तो आपको पता है अरबी लोग कितने अमीर होते हैं ना, तो वो लोग जो पॉपुलैरिटी एक्सचेंज करते वो तो पूछे ही मत। बट इंडिया में इतना तो पॉपुलैरिटी लेवल नहीं जाने वाला है, वो टॉप बड़े यूट्यूबर्स जो बैटल करेंगे वो टैग के लिए, वो टाइटल के लिए तो जा सकता है, बाकी जो हम लोगों का ये रिवॉर्ड्स है वो इतने ज़्यादा यूसी एक्सचेंज पर नहीं जाने वाला है। इन केस फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज मैंने रजिस्टर किया, अब मेरा किसी से भी मैच मेकिंग लग जाता है, तो सामने वाला बंदा और मैं दोनों की लेवल्स तो सेम होगी पॉपुलैरिटी की, 0 से स्टार्ट होगा दोनों का। अच्छा, अब आप जब डेली मैचेस खेलते हो तो आप TDM में जाओ या मैच खेलो, तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई एंड के जो 30-30 जो पॉपुलैरिटी होती है ना, जो वो लोग मैच के टाइम भेजते हैं, वो आप ले सकते हो, डेली कलेक्ट कर सकते हो इस हिसाब से, या फिर अपने फ्रेंड से जो फ्री पॉपुलैरिटी है वो ले सकते हो, उससे भी आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे। अगर लेवल्स आप विन नहीं भी करते हो, तो मैंने आपसे बताया ना, विन नहीं करोगे तो भी बैटल पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ
तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन केस ऐसा आपने सोचा कि कहीं फर्स्ट राउंड जो है तीन दिन वाला, जो पहला राउंड है, वो मेरा ऐसे मैच मेकिंग के साथ लग गया जो ऑफलाइन है, हो सकता है ऑफलाइन बंदे भी आ जाएंगे, मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा और आपने जो है 10 चिकन दे करके आप विन कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर आपको बैटल पॉइंट्स मिलेंगे नहीं एक्स्ट्रा। बैटल पॉइंट्स जिससे आपको रिवॉर्ड मिलने हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब सामने वाला बंदा पार्टिसिपेट करने में उतना ही आपका एक्सचेंज कर रहा है, मतलब आप लोगों ने पूरा टक्कर का वो दिए ना एक दूसरे को, तो ही बैटल पॉइंट्स मिलेंगे। विन तो कोई भी करे, विन से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना। तो अगर कोई ऑफलाइन बंदा आ भी जाता है तो आपका लॉस होगा, ठीक है। अगर वो है तो आप सोचो कि अच्छी चीज़ है, वो कुछ ना कुछ चिकन डिनर देगा या कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड से पॉपुलैरिटी लेगा, आप लोगे दोनों बराबर की हिस्सेदारी होगी ना, तो आपको प्ले पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। मॉर्निंग में वीडियो मैं बना देती लेकिन आपको समझ नहीं आता, इसको एडिट की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा आराम से ही वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लेट मी गेस कि मुझे कौन सा हार्ट स्पैम करने बोलना चाहिए। पर्पल कलर का, पर्पल इज़ माई फेवरेट, सो आप जो है पर्पल कलर का हार्ट स्पैम करना, तो मैं समझ जाऊँगी 15 मिनट की वीडियोस आपने पूरी देखी है। एंड ऑल द बेस्ट, अगर आता है बैटल रजिस्टर करते हो तो आप विन करो और आपको बैटल पॉइंट्स मिले और आप वो पार्टनर का टाइटल ले लो, पार्टनर का इमोट ले लो और इन्जॉय करो। सो अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट की है और बहुत सारे लोगों को मिली की प्रॉब्लम हो रही है मैच में, आप जब जा रहे हो तो मिली हट नहीं रहा, तो ये दोनों वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हो, वहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, take care।